कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। जैन हीरो, जैन धर्म समाज संस्कृति के नायकों की इस श्रृंखला में हमारा आज का विषय है पंडित बनारसी दास। आज का हीरो हमने एक कवि को चुना है, एक महाकवि को चुना है, एक हिंदी साहित्य का एक चमकता हुआ सितारा है, खासकर मध्यकाल के हिंदी साहित्य में बनारसी दास का नाम मानो सर्वोपरि है। हिंदी जैन कवियों में तो जहां भी कहीं परिचय दिया जाता है तो सबसे पहले पंडित बनारसी दास जी का परिचय दिया जाता है। वे युग प्रवर्तक हैं। बनारसी दास एक साधारण कवि नहीं बल्कि युग प्रवर्तक कवि है। उसने पूरे युग की धारा को बदला, उसके बाद पूरे समाज का स्वाद बदल गया। बनारसी दास के बाद कवियों की कलम बदल गई, कविता का विषय बदल गया, बहुत कुछ क्रांति हो गई। ये एक ऐसा क्रांतिकारी महापुरुष है जिसके बारे में जानकर बहुत प्रेरणाएं प्राप्त होती है। इसलिए हमने आज का विषय रखा है पंडित बनारसी दास। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, जबरदस्त उतार चढ़ाव, एक्सट्रीम पर पतन की दशा देखी तो बहुत पतित अवस्था देखी, उत्थान की अवस्था देखी तो बहुत उत्थान की देखी, गरीबी देखी तो बहुत ही बुरी गरीबी देखी, अमीरी देखी तो बहुत बड़ी अमीरी, जवाहरात के काम जैसी बहुत बड़े जौहरी जैसी अमीरी देखी, अनाथ दशा देखी तो वो भी देखी, बहुत समृद्ध देखा तो घर परिवार कुटुंब भरा पूरा विशाल परिवार भी देखा, बहुत रूढ़िवादिता भी देखी, अंधविश्वास भी जीवन में देखे तो बहुत अद्भुत वैज्ञानिकता भी देखी। बनारसी दास एक समय हम देखते हैं तो बहुत अंधविश्वासी और रूढ़िवादी दिखाई देते हैं, और एक तरफ ऐसे भी दिन उनके जीवन में देखते हैं कि जब वे कठोर परीक्षा प्रधानी एक अत्यंत वैज्ञानिक बन गए। तो बनारसी दास का जीवन अद्भुत, लेखनी में इतनी जान कि दुनिया चमत्कृत हो गई।
उनकी लेखनी से जो एक एक दोहा निकला वो मानो सुपर हिट गाना। आप ऐसा समझो, बनारसी दास की कविता के बारे में कहा जाता है कि जैसे आज के जमाने में सिनेमा के गाने नवयुवक युवतियां गाती रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं हर कार्यक्रम में, बजते हैं, बनारसी दास के छंद भी ऐसे ही थे। वे जो सवैया लिखते थे, वे जो दोहा लिखते थे, वे दोहा जादू की तरह सिर पर चढ़कर बोलता था। वहां के बच्चे बच्ची बच्चे युवक गली गली में गाते थे, गुनगुनाते थे, चिल्लाते थे। ये उस जमाने के महाकवि है बनारसी दास। माने एक ऐसा महान कवि जिसने कभी गोस्वामी तुलसीदास को भी प्रभावित किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई साधारण सा कवि नहीं है, ये कोई साधारण जैन कवि नहीं है, बल्कि ये साहित्य का एक विश्व प्रसिद्ध कवि है, पूरे विश्व को जिसने प्रभावित किया। इस जैसा कवि जैन कवियों में ही नहीं, पूरे जैन अजैन पूरे हिंदी साहित्य के परिदृश्य में ही आपको दूसरा कवि नहीं मिलेगा। एक दफे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनको अपनी रामचरितमानस भेंट की थी। गोस्वामी तुलसीदास का समय और बनारसी दास का समय बराबर है, एक ही टाइम के दोनों महाकवि है और दोनों का एरिया भी एक ही है करीब करीब। और एक बार ये दोनों मिले, आपको इससे पता चलेगा बनारसी दास की रेपुटेशन, बनारसी दास की ख्याति और प्रतिष्ठा का अंदाजा लगेगा। इसलिए ये घटना जानना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर बनारसी दास को दिया कि आप इसे पढ़कर अपना अभिमत लिखना और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बनारसी दास जी ने उसे पढ़कर के एक बहुत बढ़िया कविता बनाकर उनको दी थी। वो कविता की दो पंक्तियां तीन पंक्तियां आपको सुनाता हूं, बहुत सुंदर कविता है। पूरी रामायण लिख करके तुलसीदास जी ने दी तो उसको उन्होंने बनारसी दास जी ने उस पर क्या अभिमत लिखा था, क्या टिप्पणी लिखी थी, वो सुनिए। विराजे रामायण घट माही, मर्मी होय मरम सो जाने, मूरख जाने नाही। विराजे रामायण घट माही, रामायण को समझना मूर्खों का काम नहीं है, अज्ञानी का काम नहीं है। कोई मर्मी होगा वही उसका मर्म समझ सकता है। क्या मर्म है रामायण का? आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, सीता सुमति समेत, शुभोपयोग वानर दल मुंडित, वर विवेक रण खेत। के आत्मा राम है, ज्ञान इसका लक्ष्मण, ज्ञान गुण लक्ष्मण है और ज्ञान की पर्याय वही सीता है। इस इनकी जो लीला को पहचाने वही वास्तव में रामलीला को सही से पहचान सकता है। ये भजन बहुत सुंदर है,
और पढ़ने लायक है हमारे पास आज अभी, और मेरे को बहुत सारी बातें आपको सुनानी है, नहीं तो मैं कभी एक घंटे में इस इन्होंने जो ये पद लिखा है इस पर मैं एक घंटे चर्चा करता हूँ कि क्या लिख कर दिया बनारसी दास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस के ऊपर। और आपको ये जानकर और खुशी होगी कि इसको पढ़कर गोस्वामी तुलसीदास बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उस रामचरितमानस के अंतिम पन्ने पर उस पांडुलिपि में ये दोहा लिखकर उस रामचरितमानस का प्रचार प्रसार किया कि ये अध्यात्म रामायण जानना बहुत जरूरी है। और न केवल उन्होंने इसको प्रसारित किया बल्कि खुद तुलसीदास ने पार्श्वनाथ पर फिर चार भजन बनाकर इनको दिए। देखो क्या दो कवियों की आपसी बातचीत है। बनारसी दास जी ने पारसनाथ पर चार छंद बना कर दिए, क्योंकि बनारसी दास जी आगरा में रहते थे और वहां पारसनाथ भगवान का मंदिर था, तो उन्होंने कहा अच्छा पारसनाथ, माने मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक विद्वानों में और जैन विद्वानों में कितना सौहार्द था और कैसे मुझे ये घटना बहुत ही प्यारी लगती है। क्या आज ऐसा है? ऐसा होना नहीं चाहिए, दो विद्वान आपस में मिले तो प्रेम से मिले, एक दूसरे को की समीक्षा अच्छे मन से लिखें, ये दोनों में कितना वात्सल्य होना चाहिए, ये बनारसी दास और तुलसीदास से हम आपस में द्वेष नहीं किया, एक दूसरे को गालियां नहीं दी, एक दूसरे का विरोध नहीं किया, एक दूसरे को गंदे शब्द नहीं कहे। गजब है ये घटना, मुझे बहुत अधिक प्रेरित करती है कि कैसे कैसा समय था मुगल काल में 16वीं शताब्दी में, जब चारों ओर अशिक्षा थी, तब भी लोगों में इतना अच्छा प्रेम भाव था और अब हम आपस में एक दूसरे की निंदा आलोचना, आज जैन भी जैन को नहीं सहन कर पा रहा है। और ये देखो जैन और वैदिक कहो तो कितना विरोध होना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों ने प्रेम से ज्ञान चर्चा की, कविता चर्चा की और एक दूसरे को कुछ लिख करके महत्वपूर्ण दिया। और देने में ये भी गजब की बात है कि किसी ने भी कोई अपनी लक्ष्मण रेखा का लंघन नहीं किया। बनारसी दास जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि तुमने रामचरितमानस में जो कुछ लिखा है सब सही है और मैं उसका समर्थन करता हूं, ये नहीं लिखा। कोई अपनी मर्यादा का लंघन नहीं कर रहा, बल्कि ये लिखा कि रामायण कोरी बाह्य रामायण पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, बल्कि भारतीय संस्कृति एक आध्यात्मिक संस्कृति है, इसलिए हमें आध्यात्मिक रामायण को भी पढ़ना चाहिए, तब हम सही से रामायण को समझ सकेंगे। गजब की बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे एक महाकवि बनारसी दास का मैं कुछ जीवन परिचय पहले अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और फिर कुछ उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा रखने की कोशिश करूंगा। देखो बनारसी दास जी का जन्म आज से लगभग 435 वर्ष पहले, आज से लगभग 435 वर्ष पहले सन 1586 में
विक्रम संवत में लगाओ तो 1643, विक्रम संवत 1643, 1643। और अगर ईसा का सन लगाओ तो 1586। मैं हिंदी तिथि के हिसाब से माघ शुक्ला एकादशी वसंत पंचमी के कुछ ही एक हफ्ते बाद बनारसी दास जी का जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर कानपुर आगरा के बीच में, वहां पर इनका जन्म हुआ। जौनपुर में एक बहुत बड़ा धनाढ्य परिवार, श्रीमाल जाति के पंडित मूलदास थे। मूलदास के बेटे खड़गसेन थे और उनके घर में हीरे पन्ने जौहरी का व्यापार होता था। बहुत धनाढ्य श्रीमाल परिवार था। उस श्रीमाल परिवार में श्वेतांबर समाज में, देखो बनारसी दास की घटना को पढ़कर, बनारसी दास के जीवन को पढ़कर मुझे इस युग के पुरुष, इस युग के महापुरुष श्री कांजी स्वामी की याद बहुत आती है, क्योंकि उनके साथ इनका बहुत कुछ वैसा ही कुछ जीवन परिवर्तन होता है और वैसी ही बहुत सारी घटनाएं समान होती है। श्वेतांबर कुल में संपन्न घराने में श्रीमाल जाति में आज से लगभग 530-35 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम खड़गसेन था, बाबा का नाम मूलदास था और बाबा और पिताजी व्यापारी होने के साथ साथ विद्वान भी थे। गजब की बात, वे उस समय फारसी भाषा बहुत चलती थी तो फारसी भाषा के बहुत अच्छे पंडित कहे जाते थे। और ऐसे ही खड़गसेन के घर पर बनारसी दास का जन्म हुआ और बनारसी दास का जन्म, बनारसी दास खड़गसेन जी की इकलौती संतान थी और बनारसी दास जी के यहाँ कोई संतान, खड़गसेन जी के घर पर कोई संतान हो ही नहीं रही थी। और जब हो नहीं रही थी तो खड़गसेन कहीं मन्नत मांगने गए थे और जब मन्नत मांगने गए तो उस मन्नत को भी बनारसी दास जी ने, आपको परिचय समझने में सुविधा हो इसलिए मैं बता देता हूं कि बनारसी दास जी ने एक अपनी आत्मकथा लिखी है खुद। मैं ये सब बातें आपको कहां से बता रहा हूं इसके लिए आपको पता चले। तो बनारसी दास जी की हमारे पास में चार किताबें खास है। एक तो ये बनारसी विलास है, अभी इनकी चर्चा हम थोड़ी थोड़ी करेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये परिचय बताने में दिक्कत आ रही है। बनारसी दास जी ने चार किताबें लिखी है। एक किताब ये है बनारसी विलास, इसमें बनारसी दास जी की 46 किताबों का, रचनाओं का, कविताओं का संग्रह है। इसके अलावा एक ये अर्ध कथानक लिखी है। अर्ध कथानक संसार की पहली हिंदी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। इस आत्मकथा का क्या नाम है फिर से सुने ध्यान से, अर्ध कथानक। इस कथा का नाम है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक नाम क्यों रखा? अर्ध कथानक नाम इसलिए रखा कि इसको उन्होंने, बनारसी दास ने तब लिखा था जब वे 55 वर्ष के थे, 55 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने ये इसमें लिखा है कि मैं इसका नाम अर्ध कथानक इसलिए लिख रहा हूं कि लगभग आप ये समझ लो मेरा आधा जीवन पूरा हो गया। 100 साल की उम्र होती है लेकिन 55 वर्ष का मैं हो लिया। तो इस किताब का नाम है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक माने मेरे जीवन के आधे हिस्से की कहानी, और इसलिए उन्होंने ये नाम रखा अर्ध कथानक। उसके अलावा फिर एक ये समय सार नाटक जिसने उनका जीवन बदला,
उसके सार स्वरूप उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो एक ये समय सार नाटक है। इसके अलावा एक उन्होंने नाम माला लिखी है, नाम माला। नाम माला वास्तव में पंडित धनंजय की है, इनसे और 300 साल पहले एक, उनके बारे में भी किसी दिन चर्चा करेंगे। एक जैन हीरो में बहुत बढ़िया स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक नाम हुआ है, धनंजय महाकाय, सेठ धनंजय, धनंजय सेठ के बारे में भी एक दिन कभी चर्चा करेंगे। सेठ धनंजय जिनके बारे में आप सब ने विशापहार स्तोत्र की कहानी सुनी होगी, बेटे को सांप ने काटा, पूजा करते रहे, उन धन वो धनंजय सेठ घर में रहते थे लेकिन बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नाम माला, संस्कृत में द्विसंधान काव्य लिखा है कालिदास के टक्कर का, से किसने, सेठ धनंजय ने, सेठ धनंजय उसने वो लिखा। तो उन्होंने नाम माला लिखी, नाम माला का मतलब होता है, नाम माला का मतलब होता है पर्यायवाची कोश। उस जमाने में ये बहुत पढ़ाया जाता था, पर्यायवाची कोश, कमल के ये नाम है, पुष्प के ये नाम है, जमीन के ये नाम है, आकाश के ये नाम है, सूर्य के ये नाम है, चंद्रमा के ये नाम है, उसका नाम है नाम माला। नामों की लिस्ट है पूरी की पूरी, बहुत सुंदर रचना है संस्कृत साहित्य में और कोश साहित्य में, उसका डिक्शनरी लिटरेचर में उसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो वो उन्होंने लिखी। तो ये चार किताबें कम से कम हमारे पास मिलती है। उसके अलावा उन्होंने एक और किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था नवरस, किताब का नाम था नवरस, नाइन, नव माने नाइन, साहित्य में नौ रस माने गए हैं, करुण रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, रसों का वर्णन साहित्य में करते हैं। तो उन नौ रसों पर बहुत गजब की 1000 दोहे उसमें थे, और ऐसी सुंदर उन्होंने साहित्य में चूड़ामणि के समान रचना लिखी थी। लेकिन जब बाद में उनको ये समय सार आदि ग्रंथ मिल गए और उनको ये तत्व ज्ञान हुआ और उन्होंने देखा कि अरे ये श्रृंगार की रचना, ये अश्लील रचना, ये काम भाव को बढ़ाने वाली रचना, ये लोगों को विषय कषाय में बढ़ाने वाली रचना, इसको मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मैंने गलती की, इसे पढ़कर लोग कुमार्ग पर लगेंगे, मुझे पाप लगेगा, ये कविता नहीं है, ये कुकविता है, इसके नाम पर मुझे भले लोग बड़ा कवि कहें जाने, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसके निमित्त से जाने कितने लोग विषय भोगों में लगेंगे, इसलिए ये अच्छी चीज नहीं है, जिंदा नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने उस बहुत साहित्य के साई उच्च कोटि के साहित्यिक प्रतिमान वाली रचना नवरस को गोमती नदी, आगरा के बगल में नदी बहती थी, उस नदी में, गोमती नदी में उन्होंने उसको बहा दी। उस जमाने में छपाई तो होती नहीं थी कि उसकी और प्रतियां मिल जाए, लेकिन वो रचना हमेशा के लिए उन्होंने नष्ट कर दी। कितनी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, ये भी एक बहुत लोगों को, हमको, अनेक लोगों को सीखने की बात है कि कई बार हम बचपन में अपने सीखने के पीरियड में कुछ हल्का लिखते हैं, कुछ बेकार लिखते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो बेकार है तो वो जीवित रहे, उसे नष्ट कर देना चाहिए। जिस साहित्य को पढ़कर वीतरागता जगे वही साहित्य जीवित रहने योग्य है, और जिसको पढ़कर राग द्वेष पुष्ट हो वो साहित्य जीवित नहीं रहना चाहिए। ऐसे इस कवि के जीवन से
अनेक अद्भुत शिक्षाएं मिलती है। और जो ये इनका अर्ध कथानक है ना, इसके बारे में तो मैं आपसे अलग से 1-2 घंटे बात कर सकता हूं। अर्ध कथानक में इतनी सुंदर ऑटोबायोग्राफी है, A1, बड़े बड़े विद्वानों ने, इतिहासकारों ने लिखा है कि जिसके पास में 1 मीटर का कलेजा होगा वो ऐसी ऑटोबायोग्राफी लिख सकता है। अपनी बुराई, अपनी हंसी, अपनी कमियों को गिनाना कौन कर सकता है। बहुत लोग आत्मकथा लिखते हैं लेकिन अपनी तारीफ के लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपनी बड़ाई को कोई आत्म की बातें, अपनी कोई गंदी बात उसमें लिखते नहीं है, लेकिन दर्पण की तरह मैंने क्या क्या किया, सब अच्छी बुरी बातों का कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल कर रख दिया। इसलिए आत्मकथा जगत में इस अर्ध कथानक का कोई मुकाबला नहीं है। मैं उस अर्ध कथानक में ही उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके आधार पर आपको उनकी जीवनी सुना रहा हूं कि क्या क्या उनके जीवन में हुआ। तो देखो, खड़गसेन के कोई संतान नहीं थी उनके पिताजी के, तब क्या हुआ तो ये लिखते हैं। देखो मैं इसमें से अर्ध कथानक में से पढ़ के सुनाता हूँ एक लाइन, कि वो जब उनको नई संतान हो रही थी तो क्या हुआ कि वो मनोती मांगने के लिए एक देवी के पास गए, रोहतक। रोहतक गए सती की जात, चोरन लूट लियो पथमाय, सर्वस गयो रहयो कछुनाय। गए हुते मांगन को पूत, यौ फल दीनो सती अऊत। तऊन समझे मिथ्या बात, फिर मानी उन्हीं की जात। प्रगट रूप देखे सब फोक, तऊन समझे मूरख लोक। देखो क्या लिखा कि ये दुनिया बहुत मूर्ख है और समझती नहीं है। मेरे पिताजी संतान के कामना से किसी देवी के पास गए, और गए तो संतान तो मिली नहीं, बार बार जाते रहे, और वे जब भी जाते बहुत व्यापार का नुकसान होता, रास्ते में लुट जाते, पिट जाते, क्या 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 क्या। बोले मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि ऐसे कहीं संतान की प्राप्ति होती है क्या। मैंने अपनी हंसी, अपने कोई जो भी घटना जहां हुई उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया, रूढ़िवादिता। ऐसे ही बचपन में, जन्म के बाद में जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम रखा विक्रमजीत। विक्रमजीत बनारसी दास का जन्म का नाम था, लेकिन उनके पिताजी बनारस गए थे, और बनारस में जब वो 6-7-8 महीने का बच्चा था तो वहां दर्शन किए, और वहां पर किसी पुजारी से कहा कि हमें संतान होती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ये बच्चा मिला है। उस जमाने में बच्चे होते नहीं थे, होते थे तो मर जाते थे। बोले अब ये बच्चा जिंदा रहे इसके लिए कुछ करो भैया पंडित। तो पंडित जी ने, वहां के कोई पंडित जी ने कहा कि तुम इतने पैसे दे दो, ये पूजा करा दो, और फिर कहा कि देखो ये बच्चा चिरजीवी हो जाएगा, तुम इसका नाम विक्रमाजीत की बजाय बनारसी दास रखो, बनारस आए हो ना तो अब तुम बनारसी दास। और पिताजी ने इसका नाम वहां पर बनारसी दास रख दिया, तो विक्रमाजीत बनारसी दास बन गए। बहुत संपन्न घराना था, बहुत अच्छे से इनका पालन पोषण चल रहा था। जब ये 5 वर्ष के हुए तो पढ़ाई प्रारंभ कर दी, और इतने बुद्धिमान थे कि इन्होंने 8 वर्ष में ही, माने 8 वर्ष की उम्र में 3-4 साल के भीतर भीतर दुनिया भर की विद्याएं सीख ली, ढेर सारा कोष साहित्य पढ़ लिया, अनेकार्थ नाम माला क्या क्या। देखो मैं बताता हूं, पंडित देवीदास इनके गुरुजी थे,
और वो पंडित देवीदास जी से इन्होंने बचपन में ही अनेकार्थ नाम माला, ज्योतिष शास्त्र, अलंकार, कोक शास्त्र, बहुत ज्ञान अर्जित करके बहुत बड़े कवि बन गए। 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा 3-4 साल में इतनी विद्वत्ता हासिल करके ये प्रखर पंडित भानुचंद्र ने इनको को इन्होंने श्रेय दिया। पंच संधि को छंद स्तवन ये सब भी मैंने पढ़ा और इतने बड़े पंडित हो गए। 9 वर्ष के जब ये हुए तो इनकी सगाई हो गई और 9 वर्ष की सगाई हुई और 11 वर्ष की उम्र में इनकी शादी भी हो गई। जब शादी हो गई उस जमाने में शादी के बाद में भी एक गौना अलग होता था, द्विरागमन। तो शादी तो हो गई लेकिन अभी पत्नी पियर में ही थी, इनके साथ नहीं आई थी। और इधर पीछे से क्या हुआ, अब देखो कवि के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता है। कवि ने जो कोक शास्त्र पढ़ा, श्रृंगार शास्त्र पढ़ा, देखो छोटी उम्र में ही काम भावना बहुत तेजी से उद्दीप्त हो गई। और कवि ने लिखा है कि मैं बहुत आशिकी में पड़ गया, मुझे और कुछ नहीं सुहाता था, 24 घंटे आशिकी, श्रृंगार और इन गंदे गंदे कामों में ही मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं बहुत बुरी तरह दुखी हो गया। सब लिखा है, तजी कुल आन लोक की काज, भयो बनारसी आसिख बाज, करे आसिकी धरतन धीर, दरद बंद जो सेख फकीर। जैसे कोई फकीर 24 घंटे आत्मा का ध्यान करते हैं, ऐसे मैं 24 घंटे सब लोक लाज कुल सब छोड़ छाड़ के मैं किसी के प्रेम में पड़ गया और उसमें बहुत मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ। बर्बाद होने के बाद 14-15 साल की उम्र में इनका गौना हुआ, पत्नी को लेकर आए, लगा कुछ ठीक होगा, लेकिन हालात कुछ ज्यादा ठीक हुए नहीं। कुछ ठीक तो हुए लेकिन थोड़े ही दिन में पत्नी का देहांत हो गया, दूसरी शादी हुई उसका भी हो गया और इनके कुल मिलाकर 9 संतान हुई, 9 चिल्ड्रंस हुए और 9 बच्चे हुए और 9 के 9 होकर मर भी गए, 2 पत्नियां भी मर गई। जीवन ये क्या हुआ होगा इस घटना को कोई मैं आपको बता नहीं सकता, कोई भुक्तभोगी हो वो जान सकता है। एक जरा सा लॉस हो तो कितना दुख होता है। एक बच्चा छोड़ करके, घर छोड़ के नौकरी पर दूर जाता है, विदेश जाए, तो माँ बाप पर क्या बीतती है। या तो 9-9 बच्चे हुए और कवि में लिखा है साफ साफ के 3 विवाह भार जा, मैं 3 शादियां की और लिखा 9 बालक हुए मुए, रहे नारी नर दोए, जो तरुवर पत झार वे, रहे ठूंठ से होए। बोले मेरे 9 बच्चे होकर मर गए, 2 पत्नियां थी, तीसरी थी, लेकिन अब वो बैठे हैं अकेले, तो कह रहे जैसे कोई पेड़ सारे पत्ते खोकर के अकेला ठूंठ बच जाता है, ऐसे मैं आज अपनी जिंदगी में अकेले ठूंठ की तरह बचा हुआ हूं, कुछ नहीं है। देखो साहब फिर क्या क्या हुआ। जब बनारसी दास जी 24-25 वर्ष के थे, तब जब ये घर चल ही रहा था, बच्चों का होना मरना, दूसरी शादी, तो पिताजी बोले बेटा अब हम बूढ़े हो गए और अब तुम हमें धर्म ध्यान करने दो। देखो जब ये 24 साल के हैं तब इनके पिताजी बूढ़े हो गए हैं, कह रहे हमको धर्म ध्यान करने दो और तुम कुछ अपनी जिंदगी संभालो, कमाओ धमाओ। और पिताजी ने 4 बैलगाड़ियां भर दी, सारा सामान भर दिया और सारी तैयारी कर दी और बनारसी दास जौनपुर से आगरा चले गए कि अब वहीं सेटल होंगे, वहां व्यापार करेंगे। और वहां रास्ते में सब लुटपिट गया आधा, और जो कुछ बच गया थोड़ा बहुत उसको लेकर पहुंचे। वहां पर भी देखो जीवन के उतार चढ़ाव। देखो जब आगरा में भी व्यापार ठीक से नहीं कर सके,
सब कुछ लुटकर सड़क पर आ गए, दिवाला निकल गया, एक फूटी कोड़ी अपने पास नहीं बची, लाखों करोड़ों जो कुछ था सब सब खत्म हो गया। और कवि ने एक जगह लिखा है, मुझे मैं एक अंधविश्वास में भी इसमें पढ़ा कि मुझको किसी ने, कोई बाबा था, उसने कहा कि तुम एक मंत्र पढ़ो तो तुमको रोज सुबह अपने दरवाजे पर एक दीनार पड़ा मिलेगा, लेकिन वो मंत्र तुमको शौचालय में बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं है, ऐसे ऐसे शंख रखना है। एक तो बोले मैं उसके चक्कर में आ गया, एक साल तक मैंने शौचालय में बैठ के मंत्र जपा और सुबह उठ के देखता दीनार मिले नहीं, तो मैं बहुत दुखी हो गया और इन पर झूठे मुकदमे लगे। एक बार तो इन पर कोई ऐसा मुकदमा लगा कि राजा ने प्राण दंड दे दिया इनको, प्राण दंड की घोषणा हो गई और बोले इनको, लेकिन किसी तरह ये वहां से भाग निकले। देखो इनकी चतुराई, बोले हम वहां से जैसे अपराधी भाग जाते हैं, छूट भागे, नहीं तो हमें मृत्यु दंड मिलना था। तो बोले हम वहां से छूट कर भाग गए और कहीं दूसरी जगह गए, तो वहां पर अब हम क्या करते। तो बोले एक होटल पर हम कचौरी खाते थे, होटल पर कचौरी खाते थे, खाते 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 हमारे पास में उसको देने को पैसा नहीं था, तो हमने उससे कहा कि भैया हमारे पास देने को पैसे नहीं है, तुम अब हमको मत दो। तो कचौरी वाला कहता है कि बाबूजी आपसे पैसे मांगे किसने हैं, आप बहुत सज्जन आदमी दिखते हो, आप तो खाए जाओ, हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। बोले मैं खाता रहा, लेकिन फिर कुछ मुझे थोड़े दिन अच्छे आए, फिर से पैसा आया, फिर हमारा व्यापार सेट होने लगा, तो मैंने उस जमाने में उस कचोरी वाले को 20 रुपए चुकाए कि ये 20 रुपए तुम दे। उस जमाने में आज से बताओ 500 साल पहले उसको 20 रुपए कचोरी वाले को चुकाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कवि में कुछ भी हो लेकिन विशुद्धि लब्धि जबरदस्त थी, और ये विशुद्धि लब्धि का ही कमाल था कि उन्होंने कचोरी वाले को वो पैसे वापस लौटा दिए। और फिर उसके बाद में और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं इनकी बातें करूंगा तो आपको कहां तक सुनाऊंगा, लेकिन अब देखिए जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कब आता है। इनको जब ये 37 साल की उम्र के थे तो ये अपनी ससुराल गए थे, ससुराल का नाम है खैरावत, खैरावत गए थे और वहां पर एक अरथमल ढोर नाम का कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने इनको पांडे राजमल जी की समय सार टीका बाल बोधनी जो है वो दे दी। बस बनारसी दास का जीवन यहां से बदलना शुरू हो गया और बनारसी दास को इस समय सार ने पढ़कर, भले मैं इसी में डूब गया अब तो, और मैं बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने लिखा है कि मेरे ऊपर कितना गहरा असर पड़ा इस बना, बस अब मैं 24 घंटे, और बोले मैं 12 साल तक इस समय सार में डूबा रहा, 12 साल तक, और ऐसा भी लिखा कि मुझे ये समय सार से मैं स्वच्छंद हो गया। हमारे मेरे और 2-3 दोस्त थे वो भी सब है ना, हम नंगे हो जाते थे कमरे में, कहते थे कि हमको आत्मा का अनुभव है, हम शुद्ध बुद्ध सिद्धात्मा हैं, और हम तो निश्चयाभासी बन गए। और बनने के बाद देखो 37 साल की उम्र में ये मिला, 12 साल करीब करीब इनके निश्चयाभासी पने में निकल गए, लेकिन उसके बाद एक दूसरे पांडे रूपचंद जी मिले, ये तो पांडे राजमल जी की था समय सार, लेकिन ये आगरा में आए, आगरा में पांडे रूपचंद जी थे, पांडे रूपचंद जी ने वहां पर बोले हमको गोमट सार पढ़ाया, और गोमट सार पढ़ाकर हमको गोमट सार गहरा पढ़ा, और गोमट सार पढ़ने के बाद हमने सब बातें ठीक ठीक समझी,
नए व्यवस्था समझी और निश्चय से क्या कथन, व्यवहार से क्या कथन। तो हम इसमें मुझे पढ़ पढ़ कर सुनाने का वक्त नहीं है, लेकिन है ना बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। और बोले मेरी मेरा जीवन बदल गया पूरा का पूरा। और जीवन बदलने के बाद में अब सुनो फिर क्या हुआ क्या, जब इनको समय सार मिल गया, स्वच्छंदपना दूर हो गया, क्या हुआ देखो, आपको दो चीज सुना। तब ता मिले अरथमल ढोर, करे अध्यात्म बाते जोर, तिन बनारसी सो हित कियो, समय सार नाटक लिख दियो, राजमल ने टीका करी, सो पोथी तिन आगे धरी, कहे बनारसी सो तू बाँच, तेरे मन आवेगा सा। बोले वो अरथमल ने कहा तुमको सत्य चाहिए तो समय सार पढ़ो, समय सार पढ़े बिना सत्य धर्म समझ में आता है नहीं है। तो बोले मैंने समय सार पढ़ा, फिर क्या हुआ, करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा, जता ऊंट को पाद, नगन होए चारो फिरे, फिरे कोठरी माए, कै भय मुनिराज हम कछु परिग्रह नाय। ऐसे ऐसे बहुत जीवन में बहुत भारी उतार चढ़ाव आया। इसके बाद अब आया गोल्डन पीरियड, अब आया बहुत सुंदर समय। अब जीवन का सारा अंधविश्वास मिट गया, सारे जीवन की उठा पटक मिट गई, और समय सार का, गोमट सार का अध्ययन होकर के उनको जिनवाणी का सच्चा स्वरूप समझ में आ गया। जब 48 साल के बनारसी दास थे तो वो बनारसी दास नहीं, एक बहुत उच्च कोटि के सम्यक दृष्टि ज्ञानी संतुलित महाकवि बन गए। और उन्होंने वहां पर आगरा में एक बहुत सुंदर अध्यात्म शैली चलाई, शास्त्र सभा चलाई, उसमें निरंतर दिन भर समय सार का अध्ययन अध्यापन करते थे। और लिखा क्या हुआ क्या, उस शैली का प्रभाव, उन्होंने वहां बैठकर जो शास्त्र सभा चलाई, सब चीजों को भूल करके, और जो भी वहां आता था समय सार का दीवाना हो जाता था, दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती जाती थी। और लिखा यह विद बोध वचनिका फैली, समय पाए अध्यात्म शैली, प्रगटी जगमा ही जिन वाणी, घर घर नाटक कथा बखानी। घर घर में समय सार नाटक पहुंच गया, एक क्रांति हो गई, जहां तहां जिन वाणी फैली, लखे न सो जा की मुक्ति मैली, जाके हो सहज उत्पाता, सो तत्काल लखे यह बाता। अब वहां बात चल गई कि जो निकट भव्य होगा, आसन भव्य, उसको ये समय सार की बात समझ में आएगी, और जिसकी बुद्धि मैली है, आग्रहबद्ध है, उसको ये समझ में नहीं आएगी। और फिर बनारसी दास का जबरदस्त विरोध भी हुआ। बनारसी दास ने खुलकर घोषणा कर दी कि सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया, श्वेतांबर समाज में भी इनका विरोध हुआ। और जब ये दिगंबर बन गए तो इन्होंने ये भी कहा कि दिगंबर धर्म का असली स्वरूप क्या है, दिगंबर साधु का क्या स्वरूप है, मुनि दशा किसे कहते हैं, ये वो समझाते थे। तो दिगंबर समाज में जो भट्टारक थे वो भी इनका विरोध करते थे, माने बनारसी दास का दिगंबर भी विरोध कर रहे थे और श्वेतांबर भी विरोध कर रहे थे। लेकिन बनारसी दास की आध्यात्मिक क्रांति तूफान की तरह आगे बढ़ती जा रही थी, वो रुक नहीं पा रही थी। लोगों ने बड़े बड़े
महामहोपाध्याय लोगों ने, एक महामहोपाध्याय मेघ विजय हुए, उन्होंने युक्ति प्रवेश माने बनारसी मत खंडन, बनारसी मत खंडन नाम से किताबें लिखी, लेकिन बनारसी दास का मत अब रुक नहीं रहा था और बहुत तेजी से फैल रहा था। बनारसी दास ने सबको समझा दिया था कि दिगंबर जैन धर्म क्या होता है, जो तिलतुस मात्र भी परिग्रह रखता है, जो किसी संस्था का काम करता है, वो भट्टारक मुनि कोई, वो मुनि नहीं है, वो पूज्य नहीं है वो। इस तरह उन्होंने बहुत गहराई से, और क्या हुआ तो लिखा वहां बनारसी दास का शैली का प्रभाव, विरोधी लिख रहा है, एक विरोधी ने लिखा कि लोग आगरा जाते हैं, व्यापारी लोग जाते आगरा है, किते महाजन आगरे जात करण व्यापार, बने आवे अध्यात्मी लख नूतन आचार। देखो के लोग, देखो तो सही साहब, लोग है ना आगरा जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, लेकिन बनारसी दास के चक्कर में पड़ जाते हैं और अध्यात्मी बन जाते हैं। क्या घटना, कुंद कुंदाचार्य देव का समय सार उनको मिला और उनका जीवन बदल गया, और उसके बाद तो उन्होंने जो कुछ लिखा, एक एक दोहा, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे, आत्मानुभूति की बहुत गहरी चर्चा गली गली में बनारसी दास के, आत्मानुभूति ही असली धर्म है, पाप पुण्य से पार है, ये बात बनारसी दास ने प्रारंभ की, और वो सब तरह का पाखंड रुक गया, 20 पंथ भी प्रभावित हो गया, और एक तरह से 13 पंथ का वहीं से उद्भव हो गया। और क्या सुंदर सुंदर उन्होंने लिखा, बहुविधि क्रिया कलेश सो, देखो कितना बढ़िया दोहा लिखा बनारसी दास ने, सुनो, बहुविधि क्रिया कलेश सो, शिव पद लहे न कोय, ज्ञान कला परिकाश ते सहज मोख पद होए। ये क्रियाकांड से मिलने वाला नहीं है, ये क्रिया कलेश है, बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न को। इसने क्रांति की थी, वो दोहा है ये, जिसने हिला दी थी दुनिया, सबको बता दिया कि असली धर्म का मर्म क्या है, धर्म की क्रिया किसे कहते हैं, आत्मानुभूति ही धर्म है। बनारसी दास ने ठोक ठोक कर सबको समझाया, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, आत्मानुभूति से ही धर्म का प्रारंभ होता है और आत्मानुभूति से ही धर्म की वृद्धि होती है, आत्मानुभूति से ही धर्म की पूर्णता होती है, आत्मानुभूति ही जरूरी है, वही उपादेय है, और बाकी सारा शुभ अशुभ राग भट्टी है, आग है, हेय है, संसार का कारण है, मुक्ति का कारण पाप पुण्य नहीं है, शुद्धोपयोग है। ये जो दृढ़ता से शंखनाद बनारसी दास ने किया, तो उससे घर घर नाटक कथा बखानी समय सार जन जन तक पहुंच गया, घर घर तक पहुंच गया। कितनी गजब की बातें हैं, मैं कितने छंद आपको सुना सकता हूं, मैं तो बहुत आधा भी मैटर आपको नहीं सुनाया जो तैयारी की उसमें से, और समय तो हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें। पर बनारसी दास एक बहुत महान कवि, कितने प्यारे छंद, बहुत प्रसन्न शैली है, शैली ऐसी है कि आज 500 साल बाद भी पढ़ते हैं तो समझ में आता है।
आनंद आता है। बनारसी कहे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, कैसे उके केहू भात ऐसो काज कीजिए। बनारसी दास कहते हैं भैया कैसे भी करके एक क्षण को आत्मा का अनुभव करो। ऐसी ऐसी बहुत गजब गजब की बात, आत्मानुभूति को उभारने वाला, पाप पुण्य संपूर्ण राग को हे ही कहने वाला, क्रियाकांड को हे ही कहने वाला, असली धर्म का प्रतिपादक कोई महापुरुष, कोई जैन हीरो हुआ है तो वो हमारे आदरणीय कवि पूजनीय पंडित बनारसी दास जी हैं, जिनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत परिचय आपको दिया। ज्यादा परिचय आपको खुद ही प्राप्त करना पड़ेगा, इनकी इन रचनाओं को पढ़ पढ़ करके आपको बहुत परिचय प्राप्त होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, समय सार नाटक वो तो अद्भुत रचनाएं हैं। समय सार नाटक जिसने नहीं पढ़ा उसने बहुत बहुत बड़ी कमी है, इसलिए समय सार नाटक को पढ़ें, कवि की रचनाओं को पढ़ें, तभी हमें इनका परिचय होगा। हम सब बनारसी दास जी को पढ़कर सच्चे धर्म को समझें और अपने जीवन में उतारें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं पूरी करता हूं। जय जिने जी, आप 5 मिनट ले लीजिए, नेक्स्ट वीक वीडियो। नहीं, कोई बात नहीं, आप भी सुनाओ कुछ। हाँ नेक्स्ट वीक हम ले लेंगे, आप 5 मिनट ले लो। अच्छा देखो क्या बढ़िया बढ़िया, भेद ज्ञान साबुन भयो, दुआ सुनो बनारसी दास के, भेद ज्ञान साबुन भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। कितनी बढ़िया बात है, ए भैया भेद ज्ञान का साबुन लगाओ, समता रूपी पानी लगाओ और अंतरात्मा बनकर अपने अपने गुणों को रूपी वस्त्रों का साफ करो। कहाँ बहिरात्मा बने हुए हो, बाहर का नहाना धोना कब तक चलेगा। वर्णादिक रागादि रूप हमारो नाय, एक ब्रह्म नहीं दूसरो दिसे अनुभव माय। ऐसी आत्मानुभूति की जो चर्चा इन्होंने की, वर्णादि रागादि ये कोई आत्मा का स्वरूप नहीं, और बहुत गहराई से इन्होंने ज्ञानी ज्ञान मगन रहे रागादिक मल खोय, चित उदास करनी करे कर्म बंद नहीं होय। सम्यक ज्ञानी कैसे होता है, महिमा सम्यक ज्ञान की अरु विराग बल जोय, क्रिया करत फल भुंजते कर्म बंध नहीं होए। ऐसे सम्यक दृष्टि के स्वरूप को दुनिया जानती नहीं थी, वो काम पहली बार बनारसी दास ने किया, एक युग बदल गया। आप बनारसी दास की परिस्थिति का अंदाजा लगाओ, 10वीं 11वीं शताब्दी तक तो जैन आचार्य मौजूद थे, इसलिए जैन धर्म का असली स्वरूप जिंदा था, लेकिन बाद में हमारे देश पर नाना प्रकार के आक्रमण हुए और सब धर्म का असली स्वरूप नष्ट हो गया, छुप गया, और लोग सब साधु भी भ्रष्ट हो गए
और नाना तरह के रूप बन गए। कोई किसी के पास धर्म नहीं था। देखो आप ये देखो, पूरी समाज में धर्म के नाम पर अंधेरा था। पहली बार दीपक टिमटिमा कर आया 200-300-400 साल बाद। 400 साल से अंधेरा था और तब एक दीपक चमकता हुआ उभर कर आया। उस दीपक का नाम है बनारसी दास। उसने जनता को बताया कि धर्म ये है, आज मानो कल मानो, असली धर्म ये है। और विरोध करने वाले करते रह गए, लेकिन बनारसी दास ने जो बात कही वो असली थी, तीर्थंकरों की थी। अनंत तीर्थंकरों ने ये बात कही है, ये समझना है। और वो बात किसी के विरोध से रुकी नहीं, बल्कि वो क्रांति बनकर फैल गई और चारों ओर जगह जगह बनारसी दास की वही शैली बाद में सांगानेर पहुंची, आमेर पहुंची, सहारनपुर पहुंची, जगह जगह पहुंची। बनारसी दास के प्रताप से जगह जगह लोगों ने स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, आत्मा की और आत्मा के अनुभव की बातें करना शुरू कर दिया। पंडित टोडरमल जी भी आगे चलकर इसी परंपरा में हुए। असली तत्व ज्ञान की ये बात है। तो जब जब ये तत्व ज्ञान लुप्त होता आया, तब तब मानो कोई महापुरुष इसका उद्धार करने के लिए आ जाता है, ऐसा ही काम हुआ। बहुत बात मैं क्या कहूं, यही कहूंगा कि अब हमको मिला है तो हम इसका गंभीरता के साथ लाभ उठाएं, अनुकूलता प्रतिकूलता में उलझ ना जाएं और हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें, यही मेरी मंगल काम। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालोक, सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।